राजपूत कर्णी सेना के नेतृत्व में आज जनप्रतिनिधियों द्वारा आरक्षण को 9वीं सूची में डालने का विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते उज्जैन के टावर चौक पर कर्णी सेना के अधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कर्णी सेना के प्रदेश संगठन मंत्री जसवंत सिंह रुंजी ने बताया कि जातिगत आरक्षण को बढ़ावा देने आने वाले समय में सभी वर्ग को संघर्ष के लिए आमंत्रित किया गया है, जिससे देश की एकता अखंडता को खतरा है। इससे सामान्य व पिछड़ा वर्ग पहले ही शोषण से जूझ रहा है। अगर आरक्षण को 9वीं सूची में डाला दिया गया तो सामान्य व पिछड़ा वर्ग का विरोध राजनीति पार्टियों को चुनावी मैदान में देखने को मिलेगा। जातिगत आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन किया गया है एवं हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा अभी पिछले हफ्ते में कुछ लेटर जारी किए हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पर, उनमें ये उल्लेख किया गया है कि इसको 9वीं सूची में डाला जाए आरक्षण को, उसके विरोध में हमारे यहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया है एवं हमारा सरकारों को एवं उन नेताओं को जो जातिगत आरक्षण की बात कर रहे हैं एवं जो पत्र लिख रहे हैं उनको हम लोग ये बात कहना चाहते हैं कि आप लोग जब चुनाव आता है उस समय आप देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन जब बात इस तरह का कोई विषय आता है आरक्षण का तो आप लोग पत्र लिखकर वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सूचित करते हैं, आरक्षण का हम लोग विरोध करते हैं। अगर इस तरह की बात हमारे जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा अगर आगे की गई तो आने वाले चुनाव में श्री राजपूत कर्णी सेना सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग इसका विरोध करेंगे और इनका चुनाव में सामने आपको परिणाम देखने को मिलेगा।